Okay, dear children, so yesterday we studied about patterns in which we had completed our textbook exercise as well. I hope you have done and you have completed those exercises in your textbook. And now this is the last page and exercise of your textbook under pattern topic. Let us see here. Ketu has made some patterns by collecting leaves. Ketu जो है एक बच्चा है उसने कुछ patterns बनाए हैं. Patterns बनाए हैं कैसे बनाए हैं? Leaves को इकट्ठा करके, leaves को एक साथ जोड़कर अलग अलग टाइप की leaf. You must be knowing, right? अलग अलग टाइप की leaf होती है, अलग अलग साइज में होती है, कलर्स भी अलग अलग होते हैं. तो केतु जो बच्चा था उसने बहुत सारी लीव्स इकट्ठी करी. लीव्स इकट्ठी करने के बाद उसने क्या किया? उसने पैटर्न्स बनाए. लेट अस सी हाउ ही हैज मेड द पैटर्न. ये देखो दो पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं. ये एक ये वाला पैटर्न है. इसमें देखो दो तरह के लीव्स हैं. एक जो है आपकी ये बिल्कुल पतली सी एकदम शार्प सी लीफ है और ये आपकी थोड़ी सी ब्रॉड लीफ है. फिर ये थोड़ी सी ऐसी शार्प एज वाली लीफ है, राइट? तो ये दो तरह की जो लीव्स इसने ली हैं उससे उसने पैटर्न बनाया. पहले क्या किया, ये वाली जो लीफ है, ये जो पतली सी दिख रही है ना आपको, ये वाली लीफ ली, उसको ऐसे रख दिया उसने, ओके? और उसके बाद उसने क्या किया, एक ये ब्रॉड वाली लीफ ली. ब्रॉड वाली लीफ लेने के बाद जो इस तरह की ये लीफ है, इसी को ऐसे इन्वर्ट कर दिया. इन्वर्ट मतलब ऐसे पलट दिया. इन्वर्ट करना मतलब ऐसे थोड़ा सा पलट दिया, तो ये पैटर्न बन गया, ठीक है, उसी लीफ को. फिर ये वाली लीफ जो थी ना, ये वाली, इस लीफ को उल्टा रख दिया, इन्वर्टेड उल्टा, ठीक है. फिर वही ये वाली जो लीफ थी, ये वाली, ये फिर से वैसे रख दिया, मतलब इसको ऐसे वापस इन्वर्ट पलटी कर दी उसकी लीफ, पलट दिया उसको, उसको रोटेट कर दिया, राइट? सो दिस इज हाउ द पैटर्न वाज मेड. पैटर्न वाज क्रिएटेड बाय हुम? केतु. केतु ने इस तरीके से पैटर्न बनाना शुरू किया. पतली लीफ मिली और इसको ब्रॉड लीफ मिली, तो इस तरीके से उसने पैटर्न स्टार्ट किया बनाना, ठीक है. ये जो ये तीन ऐसे लीफ मिला के इसको एक पैटर्न मान लो. फिर उसके बाद ये वाली तीन, मतलब ये जो दो लीफ है ना, इन दो लीफ से इसने पैटर्न बनाया, इन्वर्ट कर दिया, उल्टा पलटी करके उसने घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो वो पैटर्न बन गया, ठीक है. ओके बेटा, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न. इफ यू सी दैट नाउ इन नेक्स्ट पैटर्न He has got how many leaves? Four leaves. चार लीव उसने लिए हैं नेक्स्ट पैटर्न के लिए, और नेक्स्ट पैटर्न में उसने चार लीव को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया है. आप देखोगे कि ये चार लीव ली हैं, 1 2 3 4 ऐसे डायगनली, इस तरीके से, ऐसे प्लस साइन में आप कह सकते हो, इस तरीके से उसने अरेंज किया है. ये एक तरीके का, फिर से उसने वो चार लीव्स ली हैं और उसके बाद फिर से उसने इसको इस तरीके से अरेंज किया है, राइट? एंड देन आफ्टर दैट अगेन ही हैज टेकन अनदर फोर लीव्स एंड लाइकवाइज ही हैज क्रिएटेड द पैटर्न एंड इट गोज ऑन. अगर आप फिर से देखें फर्दर, तो ये एक ही लीफ जो ली हुई है, उस एक लीफ को अगर इधर की साइड आप देखो रोटेट कर दिया, तो ये ही लीफ ऐसे दूसरे तरीके से प्लेस कर दी. अगर आप दूसरे तरीके से देखो, तो ये जो पैटर्न बनाया है, तो इसको रोटेट कर दिया. इस लीफ को फर्दर रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी, और ये फर्दर रोटेट करेंगे तो इस तरीके से. तो एक तरह से ये भी उसने एक पैटर्न क्रिएट किया है. ओके, this is how Ketu made the patterns, and in the entire pattern he followed this one. Okay, so now you also collect some leaves and arrange them in different patterns, also draw patterns using matchstick. To abhi aapko kya karna hai, aapko aas paas agar leaves easily mil jati hai, beta pluck nahi karni hai, todni nahi hai, you have to bring फॉलन लीव्स जो गिर जाती हैं, टूट जाती हैं पत्तियां, आपको वो यूज करनी है और उससे आपको पैटर्न बनाना है, ठीक है.
अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको लीव्स बनानी है, लीव्स बनाने के बाद उसको कलर करना है, ठीक है, लीव्स बनानी है, बनाने के बाद उसको कलर करना है, कलर करने कलर उसको आप देखिए लीव्स जो है किसी भी साइज, किसी भी शेप, किसी भी कलर की हो सकती है, राइट। तो आपको इसी तरीके से फॉरवर्ड करना है, ओके। तो आप और मैच स्टिक मतलब जो माचिस की तीली होती है, तो आपको माचिस की तीली से भी पैटर्न बनाना है। आज का काम फिर आपका ये है, एक तो मैं आपको वर्कशीट तो भेजती ही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, बट आपका ये काम है आज, आपका प्रोजेक्ट वर्क है एक, आपको मैच स्टिक यानी माचिस की तीलियों से अलग अलग पैटर्न बनाने हैं, कोई भी दो पैटर्न बनाने हैं माचिस की तीली से, और कोई भी दो पैटर्न बनाने हैं आपको पत्तियों से, ठीक है। ये आप हाफ चार्ट पेपर लेके उस पे कर सकते हो, राइट, या A4 शीट पे भी आप कर सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप A4 शीट पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है, अगर आज नहीं तो आपकी सेकंड सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है तो आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके बेटा, तो देखो ये आपकी आज की वर्कशीट जो है इस तरह का आपका, अगर आपको याद हो गूगल फॉर्म पे हमने जब टेस्ट लिया था तो इसी तरह से ऑप्शंस आती हैं और इस तरह से फोटो भी आपको, पिक्चर भी आपको नजर आ सकती है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको करना है आपकी नोटबुक में, नॉट द ऑप्शंस, आपको सिर्फ क्वेश्चन वर्क करना है इधर वाला है, और इनमें से करेक्ट वो बताना है ऑप्शन, राइट। तो हम करते हैं, पहले वाले में अगर आप देखें आपको सर्कल करना है कि कौन सा पैटर्न नेक्स्ट आएगा, तो आपने ये देखिए डायगनल इस तरीके से ये आपका स्क्वायर रखा हुआ है, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा आपको मुझे बताना है, ए बी या सी। तो ये देखिए आप पहले राइट साइड में इसका डायगनल है, देन लेफ्ट साइड में, देन राइट साइड में, देन लेफ्ट साइड में, देन राइट में, देन लेफ्ट, देन राइट डायगनल वाला, सो दिस इज द सी पार्ट विल बी द आंसर, ओके, सी पार्ट विल बी द आंसर आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि व्हाइट स्टार, ब्लैक स्टार, ग्रे स्टार, व्हाइट स्टार, ब्लैक स्टार, ग्रे स्टार, सो विच स्टार विल कम नाउ, यस इट विल बी ऑप्शन बी, दिस व्हाइट स्टार विल कम, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस पैटर्न यू कैन सी, ये ऐसे हाफ लाइन है, देन हाफ लाइक दिस लाइक, ओके, तो ऐसे डायगनल के बाद ये देखो डायगनल के बाद ये ऐसे टू कॉलम वाला आया, फिर कौन सा आएगा पैटर्न, दिस वन, राइट। सो इट विल बी ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए होगा, समझ आई। ये देखो ये डोमिनो वाले हैं, ये आपका पहले ऐसे है डायगनल, फिर सीधा, फिर दूसरी तरफ डायगनल, फिर खड़ा हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर कौन सा वाला नेक्स्ट आएगा बेटा, तो आपका अब ये नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, ये बिल्कुल स्टैंडिंग पैटर्न आ जाएगा आपका, ये स्टैंडिंग स्टैंडिंग आपका ये पैटर्न आ जाएगा, विच इज ऑप्शन दिस, ओके, सो वी विल डू दिस। द नेक्स्ट पैटर्न 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट डायगनली, ये आपने टेक्स्ट बुक में भी किया होगा आपको ध्यान हो तो, राइट, फिर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट डायगनली, देन विच वन विल कम, दिस वन, ओके, लाइक दिस इट विल कम, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर वर्कशीट, राइट, आई विल सेंड दिस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, देयर यू कैन कंप्लीट दिस वर्कशीट। हियर अगेन दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 figure 1 2 3 4 5 6 7 side figure 1 2 3 4 5 6 6 side figure then 5 side figure then 4 side figure then ek ek side kam ho rahi hai to 4 side ke baad kitni side aayengi 3 side to ye 3 side wala figure jo hai aapka answer hoga right so a will be your answer fine okay now moving on to the last one mein agar aap dekhenge to kya ho raha hai कि ये इस तरीके से आपकी शेप्स, एक फिल्ड है, एक नॉट फिल्ड है, राइट। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये देखो फोर एजेस वाली मतलब कर्व्ड सी जो है आपकी फोर साइड वाली कर्व्ड वाली है, तो ये उसकी छोटी फिगर उसके साथ साथ वाली है, जो फिगर बड़ी बनी है उसी के साथ वाली फिगर जो है आपकी
फील्ड है, तो ये लास्ट वाले में कौन सा आएगा, जो आपकी ये फिगर है ऑलरेडी बनी हुई ट्राइंगल, उसी की उसी टाइप में छोटी फिगर आपकी आंसर होगी. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ इफ यू डोंट अंडरस्टूड एनीथिंग यू मे आस्क. थैंक यू.